नहीं करियो कहीं कर दी बहुत राजप्रोही सेवा न्यास का संस्थापक श्री बाघ सिंह जी शिवतलाव मारो स्वागत होना इन वास्ते जरूरी है कि इन न्यास की स्थापना उन्हें करी ही आपने जोरदार तालियां गीता जी श्रीमद भगवत गीता थैंक यू सर हाँ बिराजो साहब मैं आप रो ज्यादा वक्त नहीं लूं पर हाल तक लेडी जीम रही है आपने बैठना ही जे इन वास्ते बातें सुनता रहो आप और उठे कम से कम 15-20 मिनट और लगे ला फिर बता दूं जितने माने 3-4 लोग आप निपटा दीजो हाँ बिरा सो ए युवा नेता है और सोन जी की बड़ी इच्छा ही और वे चूंकि अध्यक्ष है न्यासरा तो एक ऐसा हमारा स्वागत होना जरूरी है मैं क्यों बिल्कुल करो साहब स्वागत रहे मैंने कोई कमी मत रखो हाँ हो गया साहब फोटोग्राफर सर आरी अच्छी फोटो ले जो थैंक यू बिराजो आप अब आप सब लोग जितको भी अठे आया एक बात कही साहब फलाणी जी संस्था रे वास्ते हो करियो ढिमक जी हो करियो है बे एक बात बता दू आपने के रूख रे ऊपर जको फूल होया करे नी बे सगड़ा नहीं दिखे गड कोट वे बिना कांगरा सगड़ा नहीं दिखे जड़ा कोई ने नहीं दिखे रांगरा भाटो कोई नहीं दिखे ये कौन है रांगरा भाटा ने राजप्रोही सेवा न्यासरा आप लोग ठाणे नवी मुंबई पालघर मुंबई और रायगढ़ जिले रा समाज रा जितरा बंधु है उन्हें इन संस्था ने पानी दियो है खाद दियो है जिन्नी वजह से ओ एक मोटो झाड़ को बन गयो है इन वास्ते में जठे ही जाऊं आप लोग सबसे पहली तारीफ करूं और आप तारीफ के काबिल हो भारत रो कोई शहर नहीं है कोई अड़ा व्यापारी नहीं है जिको शिक्षा रे वास्ते इतनी ज्यादा सहायता दी वे नहीं मंदिर वास्ते समाज भवन वास्ते महाराज रे चरणा में बहुत सारी चीजें लोग घना ही पैसा देवे पर समाज प्रतिभाशाली पर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी की सहायता करने मुद्दों और मादो केवल और केवल मुंबई वासिया में है भाई मैं ना नेता हूं ना अभिनेता हूं बात मारे सिर्फ इतनी करनी है आप लोगों से कि आवन वाला बरसा ने मैंने यदि समाज ने आगे बढ़ना है तो पढ़ाई एकमात्र रास्ता है और बच्चा ने नहीं बच्चिया ने आप इतीज पढ़ाओ आज एक बच्ची निधि उन्हें मैं राजप्रोही सेवा न्यास री मस्कट बनावनी चाहवा उन्हें मां बाप ने जो संदेश दियो है बेटा वो निधि का वीडियो एक बीच में जो आता है मेरी मां बाप से ये अनुरोध है वो यदि निकाल सकते हो तो जरा निकालना और उन्हें ध्यान से सुनी जो आप उन्हें कहीं कहे हो आपने कि बेटियां वो सारे काम कर सकती हैं जो बेटे करते हैं मैं कहूं मैं 20 ज्यादा कर सके लाड़ा 25 साल में इन्हें 17 साल तक लड़कियां क्लास 10 टॉप करी है और इन साल पहली 10 महीनों 9 स्थान है वे लड़कियां ने गया है इन वास्ते बच्चिया ने आप पढ़ाओ और बाने पंख दो उड़न दो आकाश रमाय ने
पे आप रो नाम रोशन करेला। बाकी अब नेताजी बिराजिया है, पर आज माने मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज सिर्फ शिक्षा की बात करी जो 25 साल होया है माने शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा और कोई बात नहीं। समाज धर्म आध्यात्म सब आपरी जगह है, शिक्षा है तो सब कुछ है। सो अब मैं मारा पुराना साथी और क्यों मैं लोग लगभग साथ ही काम शुरू कियो, ए राजनीति में गया और मैं प्रशासनिक सेवा में गयो ब्रो। शुरुआत रे दिना में कागज पत्र भी चलता रहो था, जिंदगी प्रवाह बेहतर रहो। और जो विद्यार्थी आज देख रहा है या सुन रहा उठे, उन्होंने एक चीज में और कहनी चाहूं, सपना बड़ा देखो, मोटा सपना देखो, भगवान तथास्तु कह दे। मेरो गांव छोटो सो है, उठे लाइट 1982 के बाद आई है, जिन टाइम मेरो इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गयो। तो मैं हमेशा सपना ऊंचा देखिया। पहली बार जिन टाइम मैं कहो कि मैंने आरएस री परीक्षा देवनी है, तो मैंने कहा आज तक समाज हूं तो कोई विद्यार्थी रो सहे नहीं को नहीं हो आरएस रे मायने, तो मैं क्यों इनमें मैं कहीं कर सकूं। मैंने आ परीक्षा देवनी है और मां भगवती की कृपा हो गई तो मैं पास हो जाऊं। और मां सरस्वती की कृपा हुई, पहली परीक्षा दी, पहली बार में आरआरएस में सिलेक्शन हुई गयो, यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुई गयो। तो यदि एक छोटा गांव रहा आदमी जो इतना बड़ा सपना देख सके, तो अब इन जमाना में क्यों नहीं देख सके बच्चा अपना सपना। अब आ डॉक्टर तपस्या, अब इनने जितना इंटेलिजेंट बच्चा कटे वह कुरनूल वाली बच्ची, ए अपवाद है निधि, ए अपवाद है, ए बच्चा नोबेल प्राइज रे लायक है, आपने मैं बता दूं। न्यास रो जनते मेरा स्वर्ण जयंती अवसर वेला कहीं था कौन रे वेला कौन नहीं रे वेला, पर ए बच्चा उन टाइम जरूर रे वेला। और आप मानर चाल जो कि बहुत बड़ा नाम करेला, बस इन बच्चा ने सपोर्ट करो। बाकी मारे की नहीं कहना है। अब मैं राजकीय पुरोहित जी ने अनुरोध करूंगा कि शिक्षा पर कीन की बोलो आप। पधारो सर।